नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। फैजाबाद की सभी खबरें पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदीप यादव जी, अनिल दौरे जी, संजू कटियार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी नेतागण, हमारे जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है, रामवर्ष वर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण समाजवादी पार्टी के, बसपा के, हमारे समाजवादी कार्यकर्तागण, बसपा के सभी कार्यकर्तागण, हमारे नौजवान साथियों, हमारे किसान भाइयों, महिलाएं और हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका और कन्नौज की जनता का, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ से सांसद चुन के भेजा है और एक बार फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया है और आप सभी ने मौका दिया है कि इस बार मैं फिर चुनाव लड़ रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि क्योंकि अब तो गठबंधन का भी साथ है, बहुत मजबूत गठबंधन का साथ है ये, और इस गठबंधन के साथ हम बहुत बहुत ज्यादा वोटों से इस बार संसद में पहुंचने जा रहे हैं। कन्नौज हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जिस तरह कन्नौज का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है, आने वाले समय में भी कन्नौज का विकास ही हमारी प्राथमिकता रहेगा। जब समाजवादी सरकार बनी थी, अब मैं बोलूं, पहले आप सब शोर मचा लीजिए फिर मैं बोलूंगी, जितना मचाना चाहे। अब बोलूं, अब शांत। समाजवादी सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं जो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं करके दिखाए हैं, मेरा मानना है। ऐसी सड़कें, पुल, बिजली का काम हो, चाहे हमारी माताओं बहनों को पेंशन देने का काम हो, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हो, चाहे 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए काम किया गया हो, चाहे यूपी 100 नंबर देने का काम हो, ऐसे ऐतिहासिक काम मेरा मानना है और मैं जानती हूँ आप सबका भी यही मानना होगा कि ऐसे 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 काम किसी भी सरकार ने नहीं करे हैं। और जब से ये डबल इंजन वाली सरकार आई है, तब से मैं मानती हूँ जो भारत माता की जय कहते हैं, हम भी भारत माता की जय कहते हैं। और हमारी भारत माता जो विकास चाहती है, जो अब चाहती है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, जो चाहती है कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी पाए, उस भारत माता को विकास को इन्होंने जंजीरों में जकड़ के रख दिया है। रखा है कि नहीं रखा है? अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपको हमारी भारत माता को आजाद कराना है। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? डबल इंजन वाली सरकार फेल हो गई है कि नहीं हुई है? इनकी रिपोर्ट कार्ड का समय आ गया है कि नहीं आया है? जो लोग मेरी रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं सवाल करूंगी, आप हाँ या ना में जवाब देंगे। तो रिपोर्ट कार्ड नंबर 1, जीएसटी फेल है कि नहीं है? रोजगार दिए कि नहीं दिए? नोटबंदी कराई थी, फेल है कि नहीं है? आतंकवाद बड़ा है कि नहीं बड़ा है? नक्सलवाद बढ़ा है कि नहीं बना है? महिलाओं के प्रति अत्याचार, शोषण बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
तो आप इनकी रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स देंगे? मैं आप सभी से निवेदन करने आई हूँ कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव देश की दिशा को बदलेगा, देश के विकास को आगे ले जाने वाला चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और अगर इस बार, क्योंकि गठबंधन भी साथ है, चूक हो गई तो मैं समझती हूँ देश बहुत पिछड़ जाएगा, आप लोग बहुत पिछड़ जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप विकास को चुनेंगे और ऐसी सरकार जो लोगों के बीच में, जो लोगों को लड़ाती है, जो लोग में भ्रम फैलाती है, जो आपस में लड़ाती है, आप उसको नकारने का काम करेंगे इस बार। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप कन्नौज से समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और जो विकास की गंगा यहाँ पे रुक गई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।